देखने भी और राहुल को परफॉर्मेंस को लेकर और इसी प्रकार से सब मिलजुल के काम करने का निर्देश दिया। आप सब लोगों ने खूब मेहनत की, यहाँ के कार्यकर्ताओं को और संगठन को एमएलए मतदाताओं को भी धन्यवाद दिया। कुछ सुझाव या कुछ नसीहत भी मिली है क्या अलग अमान से? क्योंकि आज तो मेथी करने हम लोग गए थे तो ज़्यादा से चर्चा हुई नहीं, तो मतलब ये है कि जितने नवनिर्वाचित महापौर सभापति और पालिका अध्यक्ष थे उनको मुलाकात कराया और उन्होंने पसंद करा। सर एक फोटो में नजर भी आ रहा था कि राहुल गांधी कुछ बोले थे, बहुत ध्यान से सुन रहे थे, क्या वो शेयर करना चाहिए उसके बारे में बातचीत जब बाकी सदस्य जो शेयर करना चाहेंगे? अब उन्होंने सोनिया जी ने आशीर्वाद दिया, बधाई दी, साथ ही राहुल जी ने कहा कि सब लोग मिलजुल के काम करें और ये शहरी मतदाता पहली बार हम उनके विश्वास जो किए हैं उसे बनाकर रखने के लिए हर नागरिक को संविधान के बारे में जानना चाहिए। यही संविधान है जो हमको जहां अधिकार प्रदान करती है वहीं हमारे अपने दायित्वों के कर्तव्यों के भी प्रति जिम्मेदार बनाती है। तो संविधान इस देश में सर्वोपरि है और ये पूरी दुनिया में हमारे देश का संविधान है उसे वर्षों बहस करके 300 से अधिक लोगों ने मिलकर इसको बनाया है। अलग अलग ग्रुप बना के इसको अलग अलग विषय पे डिस्कशन करके बहुत विचार विमर्श करके इस संविधान का निर्माण हुआ। यहाँ 47 से लेके इसे बनाने में 25 जनवरी 1950 को कम्प्लीट और 26 जनवरी को लागू किया गया। बहुत लंबे विमर्श के बाद ये बना है। इस संविधान की रक्षा करना आज पूरे हिंदुस्तान के लोगों की बड़ी जिम्मेदारी हो गई है। जहाँ बहुत सारे जो संस्थाएं उसे कमजोर की जा रही है, जो संविधान प्रदत्त अधिकार है उसे लोगों से छीना जा रहा है, संविधान के साथ छेड़खानी की जा रही है, ऐसे समय में हम सबको जो संविधान हमारी रक्षा करती है, हमें अधिकार प्रदान करती है, आज उस संविधान को बचाए रखने की जिम्मेदारी मूल स्वरूप में बचाए रखने की। सर भाजपा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे नहीं, उसको कोई दिक्कत थोड़ी है। कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है क्या, इसे दिया जाना चाहिए। सर मंत्रियों के अध्यक्ष का मनोनयन होना है, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का मनोनयन होना है छत्तीसगढ़ में, लेकिन इससे पहले की क्राइटेरिया रखे है कि वो आपसे मतलब अर्थात सरकार से लड़े और एकजुटता बनाए रखे, क्या लगता है वो दोनों क्राइटेरिया पर वो काम कर पाएंगे, एकजुटता रह पाएगी, क्या कहेंगे? देखिए वो आंतरिक लोकतंत्र की बात करते हैं और मनोनयन की बात आप कह रहे हैं, इससे ही स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। जबकि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के पहले उनके प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव हो जाना चाहिए था, ये कर नहीं पाए, तो इनके जो आंतरिक जो फूट है वो सतह पे आ चुकी है। सर एक बस्तर से जुड़ा एक सवाल था, बस्तर आने के लिए भी सोनिया गांधी ने तो न्योता दिया है बस्तर के लिए, क्या कुछ बात हुई इसमें? अनिला भेड़िया जी ने जरूर कहा है कि 8 मार्च को महिला दिवस है और उस दिन छत्तीसगढ़ आने का निमंत्रण उन्होंने दिया है। सर एक साल के परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपने दी है वहाँ पर, आप व्यक्तिगत तौर पर मंत्रियों के परफॉर्मेंस से खुश हैं या कुछ सुझाव की जरूरत? देखिए मंत्रिमंडल में सामूहिक जिम्मेदारी होती है और सब लोग मिलजुल के काम किए हैं और उसका रिजल्ट भी आपको दिखा है कि एक साल के कार्यकाल के यहाँ के मतदाताओं ने जो आशीर्वाद दिया है शहरी क्षेत्र में वो जबरदस्त रहा है और जो रिकॉर्ड बना है उसे तोड़ पाना भी कठिन है कि 10 से 10 नगर निगम चुनाव जीतना भविष्य में, उसे बना कर रखना भी एक चुनौती है। तो इतना आशीर्वाद मिला है तो मंत्रिमंडल के कार्य समीक्षा तो जनता करती है और उन्होंने आशीर्वाद दे दिया शहरी क्षेत्र में। ग्रामीण क्षेत्र के रिजल्ट भी अब जल्दी होने वाले हैं कि 28 और 31 तारीख और 3 तारीख को मतदान होगा, उसमें भी ग्रामीण क्षेत्र के मतदाताओं को रुझान।
सर एक और खबर आई थी कि छत्तीसगढ़ में जो बैरियर हटाए गए थे कमल सरकार के समय, वो बैरियर आपके फिर से खोले जा सकते हैं, ये खबरें आ रही हैं। जब निर्णय होगा तो आपको पता चले जाता। थैंक यू, थैंक यू। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली दौरे से लौटकर जानकारी दे रहे थे कि किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है, और साथ ही जब स्वराज एक्सप्रेस के पत्रकार ने उनसे पूछा कि निमंत्रण दिया गया है सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को, तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने उनसे कहा है कि क्योंकि 8 मार्च को महिला दिवस है और अगर उस उपलक्ष्य में अगर वो छत्तीसगढ़ की पावन भूमि पर आए तो ये छत्तीसगढ़ और तमाम महिलाओं के लिए बेहद बेहतर होगा।